हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं रिमोट से चलने वाली आरसी सार्क। जैसे कि आप लोग मेरे हाथों में देख भी पा रहे हो, ये जो है 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर हमें दी जाती है और साथ ही साथ जो है मैं आपको इसको लास्ट में प्राइस भी बताने वाला हूँ। चलो इसे अनबॉक्स करते हैं। सो गाइस, ये है हमारी आरसी शार्क। तो आप लोग देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार के जो है हमें इसके बॉक्स देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे जो है कुछ स्पेसिफिकेशन इसमें दी गई है। तो आप लोग ये देख पा रहे हो, इसके साथ जो है आपको मिल जाता है एक रिमोट और साथ ही साथ जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर जो है आरसी शार्क आती है और आप लोग जो है इसे 360 डिग्री इजिली रोटेट कर पाओगे। एंड यहाँ पे जो है आपको एक डेमो बटन भी देखने को मिलेगा जिसको आप क्लिक करके इसका पूरा डेमो जो है आप लोग देख पाओगे। चलिए इसको हम लोग बॉक्स से अब बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो है हमारी आरसी शार्क कुछ इस प्रकार के जो है इस बॉक्स में पैक की गई है। तो मैंने जो है इसको बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। तो सबसे पहले जो है हमें मिल जाता है यहाँ पे देखने को रिमोट। ये आप लोग देख पा रहे हो, ये जो है इस आरसी सार का रिमोट है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर दिया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हो इसके ये जो है कुछ इस प्रकार के गियर दिए गए हैं एंड इसके ऊपर साइड पे जो है हमको बटन देखने को मिल जाते हैं जिससे हम इसकी स्पीड को मेंटेन कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ ये है हमारी डेमो बटन जिसको हम क्लिक करके इसका पूरा डेमो जो है एक बटन से ही देख सकते हैं। एंड इसके बैक साइड में मिल जाता है हमको बैटरी के लिए कंपार्टमेंट जहाँ पे हमको डबल लेके दो सेलों को लगाना पड़ता है और उसके ऊपर साइड पे हमको मिल जाती है एक ऑन ऑफ की बटन। तो चलिए अब इस रिमोट को रख देते हैं साइड में एंड निकाल लेते हैं इसके और भी चीजों को। तो इसके साथ हमको मिल जाता है कुछ इस प्रकार का एक पैकेट जिसमें हमको काफी कुछ दिया गया है। चलिए इस पैकेट को हम खोलते हैं एंड देखते हैं इसके साथ हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो ये जो है मैंने पूरे पैकेट को निकाल लिया है। सबसे पहले जो हमको मिल जाता है इसके साथ एक स्क्रू ड्राइवर जिससे हम इसके नट बोल्ट को खोल के इसमें बैटरी लगाएंगे और इसको हम लोग रख देते हैं साइड में। और साथ ही साथ हमको मिल जाता है एक मैनुअल जिसको आप लोग को पहले पढ़ना है एंड देन आप लोग को जो है सार को चलाना है। तो चलिए इसको रख देते हैं साइड में। अब हम लोग को मिल जाता है इसके साथ एक बैटरी जो कि 3.7 वोल्ट की आती है एंड ये जो है 500 mAh की है। तो आप लोग आराम से जो है इससे 15-20 मिनट तक जो है खेल सकते हो। तो इस बैटरी को रख देते हैं साइड में और साथ ही साथ हमको मिल जाता है एक इसके साथ एडाप्टर जिससे हम इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे जो कि 3.7 वोल्ट का ही है। तो इसे भी हम लोग देते हैं साइड में और साथ ही साथ हमको मिल जाते हैं दो एक्स्ट्रा प्रोपेलर के बाई चांस हमारा कभी प्रोपेलर टूट जाता है तो हम इस प्रोपेलर से जो है उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको भी रख देते हैं हम लोग साइड में। अब हम लोग निकाल लेते हैं अपनी आरसी शार्क को। तो आप लोग देख पा रहे हो ये जो है हमारी शार्क कुछ इस प्रकार की पैक की गई है दो पार्ट में। तो ये जो है इसकी टेल है, तो आप लोग देख पा रहे हो काफ़ी ज़्यादा जो है शाइनिंग कर रही है इसकी टेल। इस टेल को अभी हम लोग इसके अंदर सेट करने वाले हैं और ये है हमारी आरसी शार्क। तो आप लोग देख पा रहे हो इसका लुक जो है कितना बढ़िया लग रहा है एंड इसके बैक साइड में भी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो है बैटरी कंपार्टमेंट है जिसमें जो है हमें इसकी बैटरी को लगाना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम लोग सब कुछ सेट करेंगे एंड देन आप लोग को इसे चलाकर दिखाएंगे। तो शार्क में जो है मैंने टेल को लगा दिया है। चलिए अभी इस पानी में इसे ट्राई करते हैं। चलिए अभी इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग गियर को करते हैं ऊपर। तो आप लोग देख पा रहे हो यार कितनी ज़्यादा ये रियलिस्टिक शार्क लग रही है। अगर दूर से यार कोई देखे तो बिल्कुल भी यार बता नहीं पाएगा कि ये जो है फेक शार्क है। आप लोग को ये शार्क कैसी लग रही है तो प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताना। ये जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रही है। आप लोग देख पा रहे हो इसकी स्पीड भी जो है काफ़ी बढ़िया है। अभी से चेक करते हैं कि कितनी दूर जा सकती है। फिर से जो है हम लोग इसे ट्राई करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि बिना टेल के जो है कितनी स्पीड से यहां पर चल सकती है। तो इसकी जो है मैं टेल यहां से निकाल देता हूं। अब इस टेल को हम रख देते हैं साइड में। अब जो है हम इसके सिर्फ सिर को ही यहां पे स्विम कराने वाले हैं। तो चलिए अब इसे हम लोग यहां पर ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इसकी स्पीड क्या रहेगी। तो ये हमने गियर को किया आगे। आप लोग देख पा रहे हो कितनी तेजी से जो है ये घूम रही है, बिल्कुल एक बोट जैसी। गाइस यार इसकी जो है मैंने जैसे ही टेल हटा दी ना तो ये बिल्कुल जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। देख रहे हो बिल्कुल कस के घूम जाती है।
ये बिल्कुल भी जो है हमारे अब कंट्रोल से जो है रिमोट से बाहर हो चुकी है। तो मैं जो है इसे टेल के बिना यार नहीं चला सकता, क्योंकि ये जो है बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रही। अब जो हम इसकी पावर टेस्टिंग करने वाले हैं, तो मैं जो है इसकी यहाँ पे बैक साइड में एक बोतल बांधने वाला हूँ एंड देखूंगा कि इस वाटर में ये इसको खींच पाती है कि नहीं। चलिए, मेरे पास एक पहले से बोतल पड़ी हुई है, मैं जो है इस बोतल को यूज़ करने वाला हूँ। इसके जो है मैं बैक साइड में इसको बांधूंगा एंड देखते हैं कि ये इसको खींच पाती है कि नहीं। तो ये जो है मैंने बोतल को इसके पीछे बांध दिया है, अब चलिए देखते हैं कि ये इसको खींच पाती है कि नहीं। तो चलिए एक बार फिर से रिमोट को पकड़ लेते हैं, देखते हैं। ओ भाई साहब, ये तो बड़ी आसानी से जो है इसको खींच सकती है, आप लोग देख पा रहे हो, काफ़ी आसानी से जो है ये इसको खींच कर अपने साथ कहीं पर भी ले जा पा रही है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, फिर से इसी तरह के मेरे टॉय लेकर आएंगे। तब तक दोस्तों बाय बाय एंड टाटा।